नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ युवा नोटियल और खास खबरों में आज बात करेंगे ग्राम पंचायत हाजा के विकास को लेकर। जी हाँ, हाल ही में आपने देखा होगा ग्राम पंचायत हाजा के आदर्श स्कूल के बगल के टॉयलेट भी हमने दिखाए थे। और सत्य कैसा भी हो, डीसीपी न्यूज कभी भी सत्य से समझौता नहीं करता है, वो कड़वी सच्चाई है। ग्राम हाजा के वो झरझर स्कूल भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे थे, लेकिन आज हम ग्राम प्रधान के विकास पर भी बात करेंगे। अभी तक ग्राम पंचायत हाजा में ग्राम प्रधानों का क्रम कुछ ऐसा रहा कि आया राम और गया राम। ज्यादा से ज्यादा शायद कंक्रीट के खड़ोंजे लगाकर एक कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरे ने उस पर लिपापोती की। शायद ही ऐसा कोई काम मैं कहूं जो अभी धरातल पर दिखता हो पूर्व प्रधानों का, लेकिन वर्तमान की प्रधान जिन्हें शायद राजनीति के बड़े भाषणबाजी नहीं आती है, जो शायद ब्लॉक जाने से भी हिचकिचाती हो, लेकिन उनके अंदर एक खूबसूरती ये देखने को जरूर मिलती है कि वो जुबान से चाहे बोले या ना बोले, लेकिन अपने काम के माध्यम से वो जरूर बोल रही है। और इसी पर रिपोर्ट आज तैयार की है हमने ग्राउंड जीरो हाजा पर जाकर। आइए सीधा ले चलते आपको ग्राम पंचायत हाजा में और दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से आपको ग्राम पंचायत हाजा में उस विकास कार्य को जो कि वर्तमान के प्रधान कनिका देवी के द्वारा किए जा रहे हैं। जो दिखता है वही दिखा सकते हैं और वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निसंदेह जो जैसा काम करेगा डीसीपी न्यूज ऐसे ही प्रशंसा उसकी करेगा। तो आइए एक झलक ग्राम पंचायत हाजा की वर्तमान प्रधान कनिका देवी के इस कार्यक्रम को। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबर में आज ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर मौजूद हूँ। मैं आज आपको इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ उस प्रवेश द्वार की ओर सीधा आपको ले जाना चाहूँगा जहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम हाजा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह बोर्ड है इस ग्राम का और आज हम बात करेंगे। हालांकि यदि हम आज की समयावधि में खड़िंजा या सीसी टाइल्स की बात करें तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि 21वीं सदी में जहां हम चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं, वहीं दूसरी ओर मुझे इस बुनियादी विकास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। ये थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए। यदि विकास हो रहा है तो देर से ही सही, लेकिन यदि कोई कर रहा है तो इसकी सराहना भी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि आगे बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से प्रवेश द्वार है हाजा का और स्टार्टिंग है इस गांव की। हाजा गांव पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि एक शानदार सीसी टाइल से लगा हुआ एक खड़िंजा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से पूरे गांव तक संपूर्ण गांव तक जो है सीसी टाइल से युक्त ये रास्ता आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूँ, आज के समय में इस सीसी टाइल्स या खड़िंजे की बात करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी यदि हो रहा है तो जिस कार्यकाल में हो रहा है उस कार्यकाल की सराहना करना भी जरूरी है। और ये काम किस कार्यकाल में हुए हैं, इससे पूर्व कहीं प्रधान आए कहीं प्रधान गए। अगर हम बात करें तो कंक्रीट खड़िंजा पत्थर और कंक्रीट का खड़िंजा डालने के अलावा एक दूसरे एक के ऊपर एक लिपापोती करने के अलावा कुछ विशेष कार्य इससे पूर्व के जो प्रधान रहे हैं, कई सारे प्रधान रहे हैं, उनका अभी धरातल पर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जबकि वर्तमान में जो काम दिख रहे हैं वो उससे हम कह सकते हैं कि एक बेहतर कार्य हुआ है। इसमें आप ये दीवार देख सकते हैं जिससे कि रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है। आप आगे की ये डेकोरेशन देख सकते हैं, सपोर्टिंग यहाँ पर लगाया गया है, पूरी सीसी टाइल से युक्त ये खड़िंजा है और ये साथ में सपोर्टर लगाए गए हैं। कोई भी बच्चा आते जाते समय कहीं भी किसी तरीके का खतरा मोल ना हो और इससे जो है सुरक्षा मिल पाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो प्रधान का कार्यकाल है, शायद जो मुझे जानकारी है कनिष्का देवी खन्ना, जी हाँ कनिष्का देवी खन्ना इस जो ग्राम पंचायत की वर्तमान के प्रधान है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार दिखा दूं और आगे मैं दिखाऊंगा
जब भी आप ग्राम हाजा में प्रवेश करेंगे तो ग्राम हाजा में प्रवेश करने के साथ ही गांव की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जगह जगह आप ग्राम प्रधान जो है कनिष्का खन्ना जो है उसका जो नेम प्लेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सीधा आपको थोड़ा सा और हम खड़िंजा वगैरह ये दिखाएँ। पहली नेम प्लेट आप यहाँ देख सकते हैं, माँ गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ये सुरक्षा दीवार से शायद लगी है। कार्य हाजा बैंड से गांव की औसतन सुरक्षा दीवार शायद ऐसा कुछ होगा। कार्य कोड ये निम्नलिखित विवरण आप देख सकते हैं। लागत आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.88 लाख रुपीज। सामग्री आप देख सकते हैं 40%। और इसके अलावा कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत हाजा, विकास खंड चक्राता देहरादून, ग्राम प्रधान श्रीमती कनिका देवी। जैसा कि हमने जिक्र किया है ये पहला नेम प्लेट आपने देखा है। जैसे ही आप हाजा के मुख्य गेट से प्रवेश करेंगे पहला बोर्ड आपको ये दिखेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चले तो दूसरा बोर्ड भी हम आपको दिखाएंगे। अगला बोर्ड आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2021-22। कार्य ग्राम हाजा से 335 मीटर रास्ते पर इंटरलॉकिंग टाइल्स। स्वीकृत लागत है 5.50 लाख। PMAY 4 लाख। मनरेगा 1.50 लाख। विकास खंड चक्राता कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत हाजा, ग्राम प्रधान श्रीमती कनिका देवी। ये एक कहीं ना कहीं इसमें जो मैं कह सकता हूँ कि कॉमन चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि ये जो भी कार्य हुए हैं ये कनिका खन्ना के कार्यकाल में हुए हैं। और ये अगर कोई प्रधान, कई सारे प्रधान आपको दिखेंगे जो शायद गांव में रहे हैं, जिनके पास लंबा कार्यकाल रहा है लेकिन फिर भी विकास करने में सक्षम नहीं हुए हैं। कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जो कार्य करते हैं, विकास करते हैं। कई सारे जौन सारबाउर में ऐसे प्रधान हैं। आप रणवीर चौहान को ले सकते हैं, राष्ट्रपति सम्मान से प्राप्त है। आप दौदा के भी एक रणवीर जी हैं, प्रधान हैं, उनके भी कार्य जो है उनकी चर्चा रही है। तो इस तरीके के कई प्रधान ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं विकास, गाँव की दृष्टि में विकास के लिए भी जाने जाते हैं। इसी क्रम में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहूँगा और जैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो आपको लगातार इस तरीके के बोर्ड नज़र आते रहेंगे। फिलहाल ये दूसरा बोर्ड आपने देखा, मैं आगे बढ़ूँगा, आगे फिर आपको एक अन्य बोर्ड से रूबरू कराऊंगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही हम आगे बढ़े हैं अब यहाँ पर एक पानी का हौज बना हुआ है, पानी की टंकी बनी हुई है। पेयजल की समस्या को देखते हुए शायद ये पानी की टंकी बनाई गई है। पूरी तरह से अंदर से जो है टाइल से बनी हुई है ताकि पानी का जो रिसाव है वो वेस्टेज ना हो। और ये एक और जो उनके नेम प्लेट लगी है वो आप देख सकते हैं, राज्य वित्त आयोग वर्ष 2019-20 का है। योजना का नाम ग्राम पंचायत हाजा में टंकी मरम्मत का कार्य हुआ है। ये मरम्मत कार्य हुआ है, कार्य की लागत 1470 57। कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत हाजा है, विकास खंड चक्राता, ग्राम प्रधान श्रीमती कनिका देवी, ग्राम पंचायत विकास खंड अधिकारी अमित कुमार। तो कहीं ना कहीं कनिका देवी का ये भी आप बोर्ड दे सकते हैं। तीसरा बोर्ड अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तीसरा बोर्ड देखा और हर बोर्ड डिफरेंस है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हम कहीं एक ही बोर्ड को बार बार नहीं दिखा रहे हैं। शायद आपको वीडियो में भी दिखेगा कि हर बोर्ड अलग अलग है और कनिका खन्ना का जो ये कार्य है वो निसंदेह काबिल तारीफ़ है। थोड़ा समय कैमरे से क्लोज करके ये इसमें जो काम हुआ है मरम्मत का उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि अंधेरा है, दिख नहीं पाएगा, फिर भी साइड में आप टाइल्स देख सकते हैं, पूरी टाइल्स लगी हुई है ताकि पानी का जो रिसाव है वो वेस्टेज ना हो, बाहर वेस्ट ना हो, इस तरीके का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्य के लिए निसंदेह तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा ये तीन बोर्ड आपने देखे, चौथे जो नेम प्लेट है मैं उसकी ओर भी जाऊंगा और उसकी ओर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये पुनः स्पष्ट कर दूं, ये कनिका देवी के कार्यकाल में अभी तक का जो मैं दिखा रहा हूं कार्य हुआ है। अगले बोर्ड की ओर चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हम आपको ये सीसी टाइल से युक्त खड़िंजा भी दिखा सकते हैं जिसकी अच्छी खासी चौड़ाई भी है और लेंथ भी इसकी हमने 300 मीटर करीबन अभी देखा था। ये साइड में जो है सपोर्टर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक और नेम प्लेट यहाँ पर लगी है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2021-22। कार्य हाजा में रेलिंग कार्य, स्वीकृत लागत 3.10।
PMAY 2.40 लाख, मनरेगा 70,000 रुपए, विकासखंड चक्राता, कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत हाजा, ग्राम प्रधान श्रीमती कनिका देवी। कनिका देवी के नाम से ये तीसरा नेम प्लेट हम दिखा रहे हैं लगातार। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कहीं ना कहीं हो सकता है 100% कार्य ना कर पाए हो, लेकिन जो मैं अभी तक मैं यहाँ के प्रधानों के बारे में जो मेरी जानकारी है, जो मुझे मालूम है, वो शायद इससे बेहतर कार्य धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। तो आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लगातार आपको इस चौड़े से खड़िंजे, सीसी टाइल से युक्त खड़िंजे से हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ते में नाली बनाई गई है इस दृष्टि से कि यदि कोई ज़्यादा वर्षा होती है और वर्षा के कारण जल का जो जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे रास्ते बाधित ना हो, साइड से जल निकलता जाए और जल जो है कहीं ना कहीं मुख्य रास्ते को बाधित ना करे, इस उद्देश्य से ये नहर भी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो कनिका देवी के कार्यकाल में जो काम में हुआ है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये एक और नेम प्लेट आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कार्यदायी संस्था, आप दोबारा से वही सेम देख सकते हैं, वही चीज़ें हैं, कोड है यहाँ पर, सारी चीज़ें लिखी हुई है और कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत हाजा, विकासखंड चक्राता, देहरादून, प्रधान श्रीमती कनिका देवी। तो कनिका देवी जो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है ये प्रशंसा योग्य है। अभी तक के जब हाजा गांव में आप प्रवेश करेंगे तो लगातार आपको चंद दूरियों पर एक नेम प्लेट दिखेगी, उस नेम प्लेट में प्रधान कनिका देवी का जिक्र मिलेगा और कहीं ना कहीं वो कार्य उनके जो है वो आपको धरातल पर दिखते नजर आएंगे। इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे भी क्या इसमें जो CCTI टाइल जो खड़ी जाए आगे कितना और आगे है और इस बारे में अंतिम जानकारी हम स्वयं प्रधान से भी लेने की कोशिश करेंगे। अभी तक का आपने देखा बहुत सुंदर रास्ता है, बढ़िया टाइल से बिछे हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं एक गांव की शोभा बढ़ती है, गांव के विकास के जो है वो संदेश वो जाता है और कहीं ना कहीं जिन प्रधानों जो प्रधान लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत इस तरीके के कार्य हो सकते हैं जो अभी तक कनिका देवी के कार्यकाल में हमें देखने को मिले हैं। आगे ये अब नेक्स्ट जो आपका है यहाँ से आप फिर देख सकते हैं, रेलिंग लगा हुआ है, सपोर्टर लगा हुआ है और सीढ़ियाँ बनी हुई है। टाइल्स को करीब से अगर देखें हम तो इतनी सुंदर टाइल्स बिछी हुई है, सुंदर टाइल के साथ ही साइड में बाइक के लिए भी एक सुविधाजनक रास्ता बनाया गया है, कोई अगर दोपहिया वाहन कोई व्यक्ति अपना घर भी ले जाना चाहता है तो उसको भी आप इस रास्ते घर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये खड़िंजा ये कार्य जो आपको दिख रहा है ये कनिका देवी का के कार्यकाल के नाम से ये हुआ है। इसी तरह का ये जो काम हुआ है इस काम को आप देख सकते हैं और लंबा चढ़ा काम है, हम अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, एक साइड से हम दिखा रहे हैं कि लंबा चौड़ा खड़िंजा है और आगे तक जा रहा है, आगे तक की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं और अंत में हम आइए ये पूरी जो किस तरीके का खड़िंजा बना हुआ है इसकी हम पूरी कवरिंग जो है आपको दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद है हम और इसके बाद हम स्पष्टीकरण जानेंगे ग्राम प्रधान का, ग्राम प्रधान कनिका देवी का भी हम स्पष्टीकरण जानेंगे। तो आप एक बार फिर देख सकते हैं शानदार खड़िंजा है, हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और ये खड़िंजा जो है करीबन मैंने इस पर शुरू में आपको दिखाया था 300 मीटर के समथिंग है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर खड़िंजा है, सीसी टाइल्स है, साइडों में पूरी तरह से सपोर्टर भी लगाए गए हैं जिसका उपयोग कहीं ना कहीं लोग जो है अपने कपड़े सुखाने के लिए भी कर रहे हैं, अन्य चीज़ों के लिए भी हो सकता है, बच्चों को सपोर्ट के लिए भी हो सकता है, बच्चे बाहर ना गिरे उसके लिए भी हो सकता है, हर तरीके की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी तक का जो कार्य है कनिका देवी का वो प्रशंसनीय है। तो आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं कनिका देवी की प्रतिक्रिया की ओर। तो जैसा कि आपने देखा हमने ग्राम पंचायत हाजा के प्रवेश द्वार से लेकर आपको रास्ते का वो सीसी टाइल से युक्त खड़िंजे को दिखाया, उसके साथ में किस तरीके से सपोर्टर लगे हुए हैं, पानी की टंकी की जो मरम्मत हुई है किस पारदर्शिता के साथ हुई है, अंदर तक का टाइल्स हमने आपको दिखाया है और अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत हाजा की जो वर्तमान प्रधान है जिनके नाम से वो तमाम सारी नेम प्लेटें हमने देखी है, कनिका देवी जी, हम उनके घर पहुँच चुके हैं और एक सादगी से भरा घर बहुत कम प्रधानों का देखने को मिलता है। यहीं से एक संदेश मिलता है कि शायद अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, जो काम रहा है, जो सरकार के माध्यम से धनराशि मिली है उसका ग्राम पंचायत के हित में सकारात्मक प्रयोग किया है, उपयोग किया है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।
थैंक यू मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि अभी रास्ते में हम देख रहे थे आपके कार्यकाल में तमाम सारे बोर्ड वहाँ लगे हुए थे, कार्य हुए हैं, कितना समय आपको अभी तक हो चुका है? 3 साल। 3 साल तक और 2 साल का कार्यकाल बाकी है जी। तो ये क्योंकि मैक्सिमम प्रधान क्या होते हैं, प्रधान बनने के बाद पहले प्लेन्स में अपना घर तराशते हैं। आपने जिस प्रधान गाँव ने आपको प्रधान चुना उस गाँव का विकास प्राथमिकता में रखा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ऐसे बहुत सारे प्रधान हैं, उनसे वो मिली हमें, जिन्होंने विकास किया, जिन्होंने विकास किया है उनसे प्रेरणा ली है। प्रधान जी, अभी 2 साल का कार्यकाल है, क्या उम्मीद करें जिस तरीके से आपने अभी तक काम किया है, इसी पारदर्शिता के साथ आगे भी आप काम करेंगे? जी, अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, हाँ जी, कोशिश करेंगे, आएंगे। तो कहीं ना कहीं सादगी है, सादापन है, लेकिन जो मन में एक ईमानदारी है और अपने पद के प्रति एक जो वफादारी है, वो इस कार्य से साफ झलकती है जो आपने हमारी पूरी कवरेज में देखा है। फिलहाल के लिए ये खास प्रतिक्रिया आपने जानी ग्राम पंचायत की प्रधान कनिका देवी की, और उम्मीद करते हैं 2 वर्ष का जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें भी इसी तरीका का कार्य आगे करेगी, और कहीं ना कहीं जो अभी तक जिस तरीके से जो प्रधान प्रधान बने हैं उनके लिए भी और आगे जो प्रधान प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत निकल कर सामने आएगी। खास चर्चा में आप देख रहे थे ग्राम पंचायत की प्रधान कनिका देवी के साथ DCP न्यूज़ की खास चर्चा। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, फिलहाल के लिए आपसे लूँगा विदा, नमस्कार। फिलहाल आपने देखी कनिका देवी के कार्यकाल में अभी तक हुए कार्यों की ये कुछ खास खबर। आगे भी निरंतर नजर बनी रहेगी, और जिस दिन भी कुछ गड़बड़ी का माहौल होगा, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला होगा, तो DCP न्यूज उसमें भी समझौता नहीं करेगा। कड़वी सच्चाई जैसी भी हो, DCP न्यूज ने हमेशा कोशिश की है सच दिखाने की, और हमेशा कोशिश करता रहेगा सच दिखाने की। तो बने रहेगा सच के साथ, DCP न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।